त्याग से भरा जीवन श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान है, योगियों की पहचान है। यूं तो लोग समझते हैं जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया वो सन्यासी महान हैं, लेकिन महानता केवल ग्रह त्याग से प्राप्त नहीं होती। सूक्ष्म त्याग जब तक मनुष्य न करे तब तक वो महानता की चोटी पर नहीं चढ़ सकता। तो आज हम चिंतन करें, कर्मेंद्रियों के रसों के त्याग से हमें ऊपर उठना है। पहले हम ले रहे हैं जीभ का रस, जो अनेकों को अपने अधीन करके रखता है। खाने का सुख न मिला तो लगता है उन्हें जीवन का सुख ही चला गया। यही चीज चाहिए, यही स्वीट चाहिए, यही फ्रूट चाहिए, यही तला हुआ समोसा चाहिए। जीभ जब उन सब के पीछे दौड़ने लगती है, इसको जीभ रस कहते हैं, तो आत्मा का रस समाप्त हो जाता है। जिनको ये कर्मेंद्रियों के रसों में जाने की, उनमें लिप्त होने की आदत होगी, वो एक असली रस जो जीवन का होता है, जीवन का एक जो असली आनंद होता है, उससे वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान दें, हमारी नेचर ऐसी बनाएं जितना आनंद 36 प्रकार के भोजन में आए, उतना ही आनंद सूखी रोटी अचार से खाने में भी आने लगे। इससे भोजन की आसक्ति समाप्त हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी चीज होगी योग के मार्ग के पथिकों को। दूसरा रस होता है मनुष्य के लिए मुख का रस, बोलना। कई लोगों को ज्यादा बोलने की आदत है, बोलते ही रहते हैं, बड़े बड़े केस हो जाते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसका तो समाज में सम्मान भी नहीं होता, जो ज़्यादा बोलता है उसकी बात पर लोग विश्वास भी नहीं करते, तो बोलता ही रहता है। जो ज़्यादा बोलता है उसके प्रति एटीट्यूड दूसरा ही हो जाता है। इसलिए हमें अंतर्मुखी रहकर ये ज़्यादा बोलने की जो इच्छा है, ये भी एक रस है मनुष्य का, इसका त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान मनन की अंदर ही अंदर ज्ञान चिंतन की बहुत आवश्यकता होती है। इसको हम अपनी आदत न बनने दें, नहीं तो कई जगह एक व्यक्ति के ज्यादा बोलने से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं, उनसे उनको बद्दुआएं मिलती रहती हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। वो कहते रहते रहे चुप तो रहो, औरों को भी तो मौका दो बोलने का, लेकिन उनकी आदत बन जाती है। इस आदत को भी ठीक करना। तीसरा रस होता है कानों का, व्यर्थ सुनने का रस, इसका भी हमें त्याग करना है। जितना ज़्यादा हम व्यर्थ सुनेंगे, हमारा मन व्यर्थ में उतना ही चलता रहेगा, उतने ही हमारी मन की एकाग्रता समाप्त होती रहेगी। कईयों को बहुत आदत होती है, घंटे बैठे रहते हैं, दो घंटा बैठे रहते हैं, व्यर्थ सुनते ही रहते हैं, एक चर्चा होती रहती है व्यर्थ की। इससे मन बहुत पॉल्यूटेड होता है, मन की खुशी नष्ट हो जाती है, और फिर उस चर्चा में मिर्च मसाले भी तो बहुत मिलाए जाते हैं ताकि चर्चा टेस्टी हो जाए, भोजन टेस्टी हो जाए। तो इस रस का भी त्याग करने की ज़रूरत है। सांसारिक जीवन भी आप जी रहे हैं, जितना कम व्यर्थ सुनेंगे उतना जीवन सुखी रहेगा। इसलिए कहा गया है अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ सुनने के लिए समय ही न बचे, क्योंकि व्यर्थ सुनते सुनते तो हम नीचे उतरते आए हैं, फिर व्यर्थ बोलेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में व्यर्थ सुनाया गया उसके प्रति हमारा एटीट्यूड निगेटिव हो जाएगा। जब वो हमारे सामने आएगा, हम उसी भाव से, घृणा नफरत के भाव से उसे देखेंगे। हो सकता है उस व्यक्ति ने पिछले कुछ दिनों में अपने जीवन को, अपने विचारों को पूरी तरह चेंज कर लिया हो, लेकिन अगर हमारे मन में उसकी कोई बात बैठ गई तो हमें लगता है सारा जीवन ये ऐसा ही है। तो इसका भी त्याग। और एक और त्याग होता है आँखों का, के रसों का त्याग, आँखों से सुंदर सुंदर चीज़ें देखने का, देह के आकर्षण की तरफ बुद्धि को ले जाने का, इस चीज का भी बहुत त्याग करने की जरूरत है। जो ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हैं वो तो अभ्यास करें, सभी आत्माएं हैं, ये देह तो वस्त्र है।
इस वस्त्र को तो हमने धारण किया हुआ पहना हुआ है, ऐसे देहरूपी वस्त्र अनेक लिए हैं छोड़े हैं, कभी नर शरीर में कभी नारी शरीर में मैं आत्मा आई हूं। तो इस तरह से आंखें हमारी सिविल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, बुरी नजर हमारी समाप्त हो जाएगी, तो आंखों का जो ये रस है इसका भी हमें त्याग करके चलना चाहिए। भगवान के महावाक्यों में जो इन सभी कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग करते हैं उन्हें ही परमात्म रस प्राप्त होता है, उनकी ही स्थिति एक रस हो जाती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये रस कभी हमें किस दिशा में ले जाएंगे, कभी किसी दिशा में ले जाएंगे और हम इनकी अधीनता में रहने लगेंगे। देह के संबंधों की बात हम कर रहे थे, संबंध तो सबको ही हैं, लेकिन कईयों के लिए आजकल ये संबंध बहुत बड़े बंधन बन गए हैं। माँ बेटे का संबंध है, देखिए माँ ने कभी कामना की थी एक अच्छा बेटा मुझे दो, हे प्रभु बेटा मिल गया था तो अच्छा, लेकिन अब बुरे संग में चला गया है, रात को 12-12 बजे तक घर आता है, 25-26 साल का हो गया है, शराब पीने लगा है, बुरे संग में चला गया है, दोस्तों के साथ दिन रात बिताने लगा है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है, अब माँ दुखी रहती है, चिंतित रहती है। तो जिनसे बहुत प्यार किया, जिनको दिल का टुकड़ा माना, वो अब दिल पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए देह के संबंधों में जो आसक्तियां हैं, जो मोहमत्व है, उसका त्याग करना परम आवश्यक है। और योगियों को तो देह के संबंधों में केवल आत्मा ही देखनी चाहिए, देखनी तो सबको ही चाहिए, पर सबसे हमारा मोहमत्व नहीं होता है, सबको हम मेरा नहीं कहते हैं, लेकिन जिन्हें हम मेरा कहते हैं वहाँ बंधन पड़ते हैं, वहाँ आसक्तियाँ और मोह पैदा होता है। लेकिन हम, मेरा तो एक परमात्मा है और ये सभी तो आत्माएं हैं जो अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इस फीलिंग में रहने लगे तो ये देह के जो संबंध हैं इनका आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा, इनसे जो हमारी आसक्तियाँ और मोहमत्व है वो भी कम होने लगेगा, और इनके कारण जो आज दुख बढ़ रहा है उससे भी हम मुक्त होने लगेंगे। तो हम त्यागी बने, कर्मेंद्रियों के रसों के भी त्यागी बने, और देह के संबंधों में जो बहुत मोहमत्व हो गया है उसके भी हम त्यागी बने, तो जीवन की यात्रा बहुत ही मंगलकारी हो जाएगी, हमारा सफर सुहाना हो जाएगा, हम अपने मंजिल पर अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम सभी अपने संबंधों पर भी एक दृष्टि डालें, कहां हमारे संबंध बंधन बन गए हैं, उसके लिए जरा आत्मिक भाव और साक्षी भाव धारण करें, कर्मेंद्रियों के रसों पर भी एक दृष्टि डालें, कहीं जीव ने हमें अपने गुलाम तो नहीं बना दिया है, कहीं हमारी आंखें क्रिमिनल तो नहीं हो जाती हैं, कहीं हमारे कान जो बहुत सुंदर आवाज भगवान की हमें सुना सकते हैं वो इस पर चिंतन की आवाज सुनाने में तो संलग्न नहीं हो गए हैं, इनका हम त्याग कर दें। जीवन की यात्रा सुखकारी, आनंदकारी, खुशियों से भरपूर हो जाएगी।